आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन के इस एक्सरसाइज वीडियो नंबर 6 में। और ये वीडियो आधारित है वर्ब टू बी पर। टू बी का मतलब होता है, जैसा कि पीछे के वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं, होना, किसी भी चीज़ का स्थिति बताना। टू बी को तीन तरह से पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। और अभी हम लोग फिलहाल प्रेजेंट टाइम वाला पढ़ रहे हैं, जिसमें एम इज़ आर का उपयोग होता है। इसी एम इज़ आर का उपयोग अफर्मेटिव में करना है, नेगेटिव में करना है और इंटरोगेटिव में करना है। तो ये सभी चीज़ सीख चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेशल तरीका से आपको ये सिखाने वाले हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, हाँ और ना वाला सेंटेंस कैसे बनाया जाता है एम इज़ आर का उपयोग करके। साथ में इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी होगा। उन सभी का एक मिला जुला ये पार्ट है वीडियो का, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। इसी चीज़ के बारे में, इन्हीं सभी समस्या के बारे में आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं फॉर्मूला सबसे पहले, जिसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी। तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि वर्ब पहले आना चाहिए, एम इज आर यहाँ पर पहले है, और उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग करना है। यदि सेंटेंस में क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव भी हो, तब सब्जेक्ट के बाद नॉट और सब्जेक्ट के पहले एम इज़ आर का उपयोग होना है, क्योंकि टू बी चैप्टर है और अंत में ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, हर सेंटेंस में रहता है, तभी जाके वो एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। ऑब्जेक्ट के जगह पे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस यहाँ पर है, या एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें बड़ा बड़ा सेंटेंस है लेकिन ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। सेंटेंस है, क्या आप एक डॉक्टर है? इसका इंग्लिश बनाना है, तो आर यू अ डॉक्टर? और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये होना अनिवार्य है। अब दूसरा सेंटेंस है, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। तो नहीं के लिए सबसे पहले नो लिखना है, उसके बाद कोमा डालना है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आगे सेंटेंस है, क्या मैं एक अभियंता हूँ? एम आई एन इंजीनियर, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। इसलिए क्या वे लोग कवि हैं? आर दे पोइट्स, प्लूरल है इसलिए प्लूरल सेंटेंस, यहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और आगे है, हाँ वे लोग कवि हैं, यस यस नो वाला, हाँ ना वाला, जैसा कि अभी आप यहाँ पे सीख रहे हैं, यस दे आर पोइट्स, और अंत में फुल स्टॉप। तो देख सकते हैं ये भी सेंटेंस यहाँ पे बन चुका है। क्या आप व्यस्त हैं? आर यू बिजी? तो देखिए ये भी सेंटेंस यहाँ पे बन चुका है, आर यू बिजी? नहीं मैं व्यस्त नहीं हूँ, अगला सेंटेंस है। तो नहीं के लिए नो होगा, उसके बाद आगे कोमा लगाना है, मैं व्यस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट बिजी। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन वाला भी है, नेगेटिव भी है, हाँ ना वाला भी है यहाँ पर। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर टू बी का उपयोग हो रहा है, एम इज़ आर का उपयोग हो रहा है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, आगे सेंटेंस है, क्या वह सुंदर है? तो इज ही ब्यूटीफुल, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो बन चुका है। क्या वह नेक है? इज ही नेक का जेंटल होता है। ये सब सेंटेंस आप बनाने के लिए पीछे के भी इंटरोगेटिव चैप्टर में आप लोग सीख चुके हैं, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ
वह नेक और सुंदर है। यस कोमा लगाना है, वह नेक और सुंदर है। ही इज जेंटल एंड ब्यूटीफुल। तो देख सकते हैं ये भी सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ही है इसीलिए इज का उपयोग हुआ है। दो ऑब्जेक्ट है, ये मत सोचिएगा कि दो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर लगेगा, नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर है यहाँ पे। क्या वे लोग तैयार हैं? आर दे रेडी। अगला सेंटेंस, और ये क्वेश्चन वाला है इसलिए अंत में क्वेश्चन मार्क। वे लोग तैयार नहीं है, दे आर नॉट रेडी। ये नेगेटिव सेंटेंस है। आगे है, क्या वह घमंडी है? इज ही घमंडी का प्राउड होता है। इज ही प्राउड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, वह घमंडी नहीं है। ही इज नॉट प्राउड। तो देख सकते हैं ये भी सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आगे सेंटेंस है, वह नेक और विनम्र है। चलिए इसके आगे देखते हैं, वह नेक और विनम्र है, इनका क्या बनेगा? तो वह के लिए ही होगा, ठीक के साथ इस नेक का जेंटल होता है और एंड लगेगा उसके बाद। विनम्र का हम्बल होता है, HUMBLE हम्बल, और अंत में फुल स्टॉप। आगे सेंटेंस है, क्या आप लोग विद्यार्थी हैं? आर यू, आप लोग का यू होगा, आर यू स्टूडेंट्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाँ हम लोग विद्यार्थी हैं, यस यस के बाद कोमा देना है, उसके बाद हम लोग, वी के साथ आर, यस वी आर स्टूडेंट्स, और अंत में फुल स्टॉप। आगे सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या यह लाभदायक है? इज इट यूजफुल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इज इट यूजफुल, क्या यह लाभदायक है? देख सकते हैं किस तरह सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यस नो वाला। और आगे देखते हैं, यह लाभदायक नहीं है, इट इज नॉट यूजफुल, और अंत में फुल स्टॉप। इट इज नॉट यूजफुल, यह बेकार है। इट इज बेकार का यूजलेस, इट इज यूजलेस, यूजलेस, और अंत में फुल स्टॉप। ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब है इंटरोगेटिव, क्या पिताजी व्यस्त है? इज फादर बिजी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या पिताजी व्यस्त है? इज फादर बिजी। तो देख सकते हैं कितना आसान है ये चैप्टर। इस चैप्टर में आप लोग अभी तक अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वाला और यस नो वाला भी आप सीख रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा तरीका से आपको मैं समझाने का कोशिश किया हूँ टू बी के प्रेजेंट को। इसमें और कुछ है, और बहुत कुछ है जो आगे हम आपको बताएंगे। हाँ, वे बेस्ट है, अगला सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं। यस कोमा, उसके बाद वे बेस्ट है, दे आर बिजी, और अंत में फुल स्टॉप। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से टू बी में सेंटेंस बनाया जाता है, क्वेश्चन वाला, नेगेटिव और अफर्मेटिव, यस नो वाला। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलते चलते, आप हमें फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को फॉलो निश्चित कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए
और इस पोस्ट को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.onlinepadhi.com, उसको भी विजिट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अंत में आप कंट्रीब्यूट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ratandeep पर, उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।